प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल से मूंग दाल वितरण कार्यक्रम से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लगभग 66 लाख विद्यार्थियों को 78,511 मीट्रिक टन मूंग दाल का वितरण कर उनके स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। अगर शरीर अस्वस्थ रहा तो ना तो अच्छा पढ़ सकते हैं, ना अच्छा खेल सकते हैं। इसलिए कहा है पहला सुख निरोगी काया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं शिक्षकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में भारत सरकार सर्वे करवाती है। 2017 में हुए सर्वे में मध्य प्रदेश का नंबर 17 था। इस साल के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाया जाता है, इसलिए मूंग दाल का वितरण शुरू किया। सीएम शिवराज ने विद्यार्थियों से अपील की कि उच्च शिक्षा के लिए लाखों रुपये की भी फीस होगी तो चिंता ना करें, सरकार भरेगी। मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर, कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सन 2018 में 4 अप्रैल के दिन कुछ गलत फहमियों के कारण प्रदेश में विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग में कुछ अप्रिय स्थितियां बनी थी और आपस में कुछ समाज में झगड़े हुए थे और जिसके कारण कई मुकदमे बने, अनुसूचित जाति के भाई बहनों पर भी बने, सामान्य वर्ग के भाई बहनों पर भी बने। पिछले दिनों जब मैं ग्वालियर गया था, सिंधिया जी भी साथ थे, हमारे मंत्रीगण प्रदेश के कई साथ थे, तब दोनों समाजों के प्रतिनिधिमंडल अलग अलग मिले, मैं भी मिलने गया, उन्हें बुलाया था। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधिमंडल ने भी ये कहा और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधिमंडल ने भी ये कहा कि उस दौरान जो अप्रिय स्थिति बनी थी, मुकदमे बने, वो समाज की समरसता के लिए भी अच्छे नहीं है और इसलिए केवल एक पक्ष के नहीं, दोनों के मुकदमे वापस ले लिए जाएं। मुझे लगा कि सामाजिक समरसता की दिशा में बहुत बड़ी पहल है और व्यापक विचार के बाद हमने सबसे चर्चा की, सिंधिया जी साथ थे ही, तोमर जी से बात की और मुझे लग रहा है कि दोनों समाज जब हृदय से ये चाहते हैं कि इस तरह का वैमनस्य समाप्त हो तो राज्य शासन का भी ये परम कर्तव्य है कि सामाजिक समरसता बढ़ाने में कोई कसर ना छोड़े। इसलिए हमने उस दौरान जो मुकदमे बने थे सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग पर, वो वापस लेने का फैसला किया है। हितग्राहियों को भी लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी अपील है कि यथासंभव समरस पंचायत बने, इसका प्रयास करें। पुजारियों के लिए घोषणा की सर, पुजारियों के लिए घोषणा की, हमने जो जितनी भी घोषणाएं की सब एक एक करके पूरी हो रही है। मैंने पुजारियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, उसके आदेश भी जारी हो गए हैं। समाज के हर वर्ग का कल्याण करते हुए ये सरकार आगे बढ़ रही है, इसलिए भगवान परशुराम जी की जयंती पर मैंने अनेकों फैसले किए थे, उनको क्रियान्वित करना शुरू किया जा चुका है। धन्यवाद। पंचायत के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। आज मैंने अपने ग्रामीण जनता को, विशेषकर वैसे तो शहरी को भी, लेकिन गांव छोटे होते हैं, पंचायतें छोटी होती है और अक्सर जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। वो प्रतिस्पर्धा कई बार द्वेष को और शत्रुता को जन्म देती है और कई जगह अप्रिय घटनाएं भी होती है। चुनाव और चुनाव के बाद मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। हमारे लिए पंच परमेश्वर है, इसलिए जनता से मैंने अपील की है कि वो प्रयास करें। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, बढ़ चढ़ के भाग लें, लेकिन अपनी पंचायत में ये कोशिश करें कि सब मिलजुल के बैठ के अगर सर्वसम्मति से अपने सरपंच को और पंचों को चुन लें तो मुझे लगता है स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और विकास का वातावरण और ज़्यादा बेहतर बनेगा। और इसलिए समरस पंचायत, मतलब निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें अगर बनी अलग अलग स्तर पर, तो उन पंचायतों को
सरकार पुरस्कृत करेगी, प्रोत्साहन राशि भी देगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।